गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बलून लगा दिए हैं आगे, और देखिए एकदम क्लीन आकाश है, अच्छा है, लेकिन विंडी बहुत है। तो चलिए अंदर जाते हैं। पूरा पेट्रोल पंप भीड़ से, गाड़ियों से भरा हुआ है। सारे लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्नो मेल्ट हो रहा है और सुंदर शनि देवता के दर्शन कर लीजिए आप सभी लोग। 9:30 हो गए हैं। और यहाँ सारे डंबल ला के बेटे ने रख दिए हैं। देखिए अब ये हमारा करी लीफ का प्लांट ग्रो नहीं हो रहा अच्छे से। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। बाहर बहुत विंडी है। इसके चारों फूल निकल आए हैं, सुंदर लग रहा है ना प्लांट, एकदम ब्यूटीफुल। और ये हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, अभी बाल बनाने बाकी हैं। मेरा सोमू जाओ फुला फुला हो गया है, तो फेस नहीं दिखाती, आंखें भी सूज गई है। पपाया लेके आई थी, आज उसको कट कर देते हैं। और देखिए बाहर कितना सुंदर लग रहा है, एकदम ब्राइट ब्राइट, आंखें चुंधिया जाए इतना। अभी ये बर्तन रख देते हैं अंदर। बाहर कितना सनी डे है, आपकी आंखें भी चुंधिया जाएगी। और सारे बर्तन हम रख देते हैं। तो चलिए पहले इसमें पानी भर देते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। इतना ब्राइट है लेकिन ठंड तो बहुत है बाहर, और विंडी भी बहुत है आज तो। पपैये की छाल को मैंने अच्छे से उस पे से उतार दिया है, और थोड़ी भी छाल ऊपर रहती है तो उसका स्वाद हमें कड़वा लगता है। जैसे ये थोड़ा भी है मुंह में जाएगा तो कड़वा लगेगा, तो उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ।
और फिर कट करके उसके बीज निकाल देती हूँ। एकदम रस से भरपूर, एकदम फ्रेश पपीता है, दाने भी एकदम है अच्छे। इसका मतलब ये पपीता बहुत अच्छा निकलेगा। इतना फ्रेश और जूसी पपैया निकला है, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। तो मल्टीग्रेन ब्रेड को भी हमने सेक दिया है, उस पर आलमंड बटर लगाएंगे और ये हनी भी है, रॉ हनी है, और ये थोड़ा फ्रूट खा लेंगे तो आज का दिन का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ये मैं हल्दीराम के रसगुल्ले भी लाई थी, तो इसको मैंने बड़ी थी बड़ी बॉटल थी तो उसको मैंने छोटे जार में रख दिया है। इतने टेस्टी है ना रसगुल्ले भी, एक खा लेते हैं, कुछ नहीं, डाइट तो करते नहीं हैं, कसरत भी कई महीनों से तो अब भी छोड़ रखी है, जो होगा देखा जाएगा, वेट बढ़ता है तो बढ़ने दो, लेकिन खाना तो जब इच्छा होती है तो इच्छा पे रोक नहीं लगाते, खा लेते हैं, फिर करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। और एक नया मेहमान खिल रहा है, कितना प्यारा है। और अभी देखिए स्नो ऊपर आते आते तो सांस फूल जाती है। ग्लासेस की नई पेयर बनवाने के लिए आई हूँ और देखिए सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे ग्लासेस मिलते हैं यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, नाइस सेंटेंस, बिल्ड ऑन योर ड्रीम्स इन द, नीचे कुछ लिखा हुआ है लेकिन पूरा दिखाई नहीं देता। अभी न्यूज चल रहे हैं, एक तो यहाँ ही बज गया आज तक। नेल कटर, नेल कटर चाहिए, कहाँ है नेल कटर? यहाँ तो होता था, पूछती हूँ आगे फ्रंट डेस्क में जाके। यहाँ ही पौने दो तो बज गए हैं और थोड़ा थोड़ा सलोन के लिए इन्वेंटरी ले लिए। ओ माय गॉड, कितना एक्सपेंसिव सब कुछ हो गया है। तो चलिए काम पे निकलते हैं। 23 है, बहुत विंड भी है, ठंड भी है, सब कुछ है, अभी स्नो गया नहीं है। सनी थोड़ा निकलता है फिर बादल आ जाते हैं, तो ये दिन की शुरुआत होती है।
पूरा सलोन का इन्वेंटरी का सामान नीचे गाड़ी में से उठा के ऊपर लाई। और ये देखिए पूरा हाथ सब कुछ छिल गया। कौन कहता है सब कुछ इजी होता है, नहीं होता भाई। कनाडा में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी, तभी जाके घर का खर्चा चलता है। इतना सा ही ये दो बॉक्स में थोड़ी थोड़ी इन्वेंटरी है। आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप सभी लोग सही सलामत रहे, सेफ रहे और हेल्दी रहे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।